मल्हार सरकार ने अहिल्या को दी गौतमा के डर से आजादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गौतमा से कहीं ना कहीं अहिल्या डरती जरूर है, क्योंकि सासू बाई है और सबसे बड़ी बात है कि अहिल्या उनसे बहुत प्रेम करती है, अपनी आई के दर्जे पे रखती है उनको और है भी। तो इस प्रेम में एक ऐसा रूप आ जाता है जिसमें कि अहिल्या झूठ बोलना या वो सब चीजें करना पसंद नहीं करती है और वही अहिल्या का असली किरदार है। मगर मल्हार सरकार ने अहिल्या को एक बहुत ही अच्छी बात समझाई, जिसके जरिए ये पता चला कि अहिल्या के लिए ये बात जानना कितना जरूरी था और इस बात को जानने के बाद, समझने के बाद उनकी जिंदगी में एक नई उड़ान की गुंजाइश बन गई। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो परमानंद संत जब आए थे तो उन्होंने राजा राम की कहानी सुनाई, जिसके जरिए अहिल्या को फिर से एक उपाय सूझा, क्योंकि अहिल्या को हमेशा भगवान ही उपाय देते हैं ताकि वो अपनी प्रजा की सेवा कर सके। जैसे कि शिव शंभू भोले भंडारी तो हमेशा उसके साथ होते हैं, कभी वो सत्यनारायण की पूजा में जाती है वहां पे उनको सुराग मिलता है, वहां पे भी भगवान उनका जो है मार्गदर्शन करते हैं। अब ये जो राजा राम की कथा उन्होंने सुनी, वहां पे भी उनको मिला कि कैसे राजा राम भेष बदल के प्रजा के बीच में जाते थे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनते थे, देखते थे और फिर उनके हल ढूंढते थे। तो ये उपाय अच्छा लगा अहिल्या को, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि प्रजा तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो कैसे प्रजा के बीच में जाके कैसे उस राज से पर्दाफाश करें जिसकी वजह से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये राज जो उसको पता चला, ये जो काम पता चला कि ऐसे करके ये राज पे पर्दाफाश कर सकती हो, अब वही वो बाबा साहिब से डिस्कस करती है और मल्हार सरकार खुश हो जाते हैं। मगर बीच में उनको थोड़ा सा डर भी सताता है, क्योंकि ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि अगर कोई राज का बंदा, यानी कि राजा रानी या कोई भी राज्य से रिलेटेड जो भी ओहदे पे है, पद पे है, बड़े पद पे है, अगर वो पब्लिक में ऐसे जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और उस समय जब प्रजा उनके खिलाफ है, तो ये जो चिंता है वो व्यक्त करते हैं। मगर अहिल्या की चिंता ये नहीं है, अहिल्या की चिंता कुछ और है। उसकी चिंता यह है कि अगर मैं जाती हूं तो मेरी जो गौतमा सासूबाई है वो मुझसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि सच मैं उनको कह नहीं पाऊंगी और झूठ मैं बोलना चाहती नहीं हूं। तो यहां पे मल्हार सरकार जो कहते हैं वो देती है गौतमा के डर से अहिल्या को आजादी। वो ये है कि दोस्तों, वो कहते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश सर्वप्रिय है। देश के लिए जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे जो निजी काम है, जो निजी चिंताएं हैं, वो बहुत पीछे रह जाती है। यहाँ पे वो बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं सैनिकों की, कि जब वो लड़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं तो क्या वो अपने घर की चिंता करते हैं? नहीं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश के लिए जीत प्राप्त करना, अपने देश की प्रजा की रक्षा करना। तो यही बात मल्हार सरकार जब अहिल्या से कहते हैं, और इस बात से साफ साफ मतलब होता है तुम्हें गौतमा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौतमा निजी उसमें सोच रही है, संकुचित सोच से बाहर आ रही है, संकुचित सोच को लेके आगे बढ़ रही है। तो उस संकुचित सोच का हिस्सा तुम्हें अहिल्या नहीं बनना है। तो जब ये बात अहिल्या सुनती है, उसके परों में नई उड़ान हम देखते हैं, उसके चेहरे पे एक नई मुस्कान हम देखते हैं कि उसको उस बात का हल मिल गया, और वो भी बिना किसी बोझ के। उसके मन पे अब इस बात को लेके कोई बोझ नहीं होगा कि मैंने अपनी सासूबाई की बात नहीं मानी, बाहर गई, इससे मैंने उनकी जो आज्ञा का अवहेलना किया, वो सब नहीं रहेगा। और वो बिना हिचकिचाहट के प्रजा की सेवा के लिए, प्रजा के बीच में जाके अपना काम कर सकेगी। तो ये होता है असली गुरु का काम जो मल्हार सरकार ने किया, और ये होता है असली चेले का काम, यानी कि चेली का काम जो अहिल्या ने किया, अपने गुरु से बिना संकोच किए सारी दिल की बात कह दी और सारी प्लानिंग बता दी कि मैं क्या करना चाहती हूँ बाबा साहेब। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है इसको लेके, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।